तो गाइज ये रहा हमारा रूम, दिस इज आवर ट्विन बेड एंड दिस इज काउच एंड कॉफी टेबल एंड दिस इज द एडिटिंग टेबल। यहाँ पे मैं अपना एडिट करूँगा वीडियो को आज, और आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। तो ये रहा वॉशरूम, दिस इज वॉश बेसिन एंड दिस स्मॉल एंड क्यूट बाथरूम। और ये रहे हम, बेस्ट एवर सनसेट मैंने अपनी लाइफ का आज देख रहा हूँ जो मेरे सामने हो रहा है, और ये बहुत ही जल्दी सनसेट हो रहा है, बहुत ही फास्ट सनसेट हो रहा है, लाइक सेकेंड्स में वो ढलता जा रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो फुल बीच व्यू और फुल पीसफुल और बहुत ही अच्छा व्यू है, लाइक हेवन है ये। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। आज है हमारे ट्रिप का डे 2, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रिप है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं द्वारकाधीश और बेट द्वारिका। के बाद और भी प्लान है तो वो धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे आपको, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले तो देव द्वारिका जाएंगे। अभी 6:30 बजे वहाँ पे मॉर्निंग आरती होती है, तो वो हम लोग सबसे पहले अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बेट द्वारिका, फिर वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:03, अभी 6:03 हो रहा है, तो अभी हम लोग 5 मिनट में मतलब होटल को छोड़ के निकल जाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम लोग को आई थिंक यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, तो हमें 5 मिनट लगेगा वहाँ पे जाने के लिए बस। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अंदर कोई अलाउ नहीं करते हैं, कैमरा और लाइक फ़ोन आप कुछ भी की भी नहीं ले जा सकते हो गाड़ी का, ओनली आप वॉलेट अपना कैरी कर सकते हो अंदर। हाँ, डिजिटल चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते जिससे आप वहाँ पे फ़ोटो खींच सको या कुछ करो, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखो, ये रहे हमारे द्वारकाधीश, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी मैं ब्रिज पे हूँ ये है सुदामा सेतु, जो सुदामा जी ने जो द्वारिका में एंटर किया था तो वो यहीं से आए थे, तो ये सुदामा सेतु है। और ये यहाँ पे पूरा व्यू है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक तरफ से छोटा मिनी घाट है यहाँ का द्वारिका का, और आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कैटफिश है पानी में। तो अभी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग बेट द्वारिका जाएंगे इसके बाद, और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रिप पे अपने निकलेंगे जो हमारा होगा सोमनाथ के साइड। अभी हम लोग बेट द्वारिका आ चुके हैं, अभी हम लोग ने यहाँ पे पार्किंग लगा दी है, और अभी हम लोग जाएंगे फेरी लेने। फेरी यहाँ से कुछ 15 मिनट का रास्ता है फेरी का बेट द्वारिका तक का, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बेट द्वारिका को। तो बने रहे ब्लॉग में क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा फेरी का राइड लेंगे और आप लोगों को भी अपने साथ राइड करवाएंगे। हमने ये पूरी बोट ली है और हम ये पूरी बोट से जाएंगे बेट द्वारिका, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सिर्फ पूरे बोट में मैं, जीतू और आशीष है,
बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले ये पूरा राइड और मजा आएगा। द्वारिका का पूरा दर्शन लिया तो उन्होंने बहुत अच्छी से स्टोरी टेलिंग की अंदर। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 10,000 का पॉपुलेशन है इस टापू पे और उसमें से 7,000 मुस्लिम है और 3,000 हिंदू है। तो यहाँ पे कितना अच्छा है सेकुलरिज्म, आप भी देख सकते हो कि मतलब ऐसी जगह पे भी लोग घुल मिल के रहते हैं और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे सामने ही वहाँ पे दरगाह है जो बहुत ही अच्छा है। और ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इट्स अमेजिंग। वेट द्वारिका से हम निकल चुके हैं, अब हम लोग पोरबंदर की ओर जा रहे हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम सोमनाथ होके गिर जाएंगे लास्ट में, तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। फिर हम बीच में कहीं होल्ड लेंगे और जो अभी हम लोगों ने जो शिप ली थी वो हम लोगों ने 500 में ली थी। जो पूरी शिप हमने बुक की थी वो 500 में थी और आते वक्त जो था उसका चार्ज ऐसे पर्टिकुलर 20 रुपये का होता है और एक शिप में ये लोग 175 लोगों को लेते हैं। तो जनरली मतलब ठीक ठीक लगा और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोगों ने मतलब सी ईगल को हमने मतलब बिस्किट्स दी वो सब आए, तो बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा फेरी में। और अभी हम लोग अपने रूट की ओर निकल चुके हैं, तो जैसा जैसा अभी हमारा ट्रिप चलेगा वैसा वैसे हम लोग ब्लॉग करते जाएंगे। रास्ता था जो द्वारिका से लेकर पोरबंदर तक जो हम लोग आए वो बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता था, जहाँ पे आप लोग अपनी स्पीड लिमिट बहुत अच्छे से 100 के तक मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो अभी तक का रास्ता देखा अभी तक का सबसे बेस्ट रास्ता लगा, एकदम एक्सप्रेस वे जैसा था और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही स्ट्रेट रास्ता, एकदम स्ट्रेट है। और अभी हम लोग पोरबंदर में कीर्ति मंदिर आए हुए हैं जहाँ पर महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लोग माधवपुर बीच पे आए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग सनसेट इन्जॉय करेंगे। कल हमने ब्लू फ्लैग बीच में सनसेट इन्जॉय किया था, आज हम लोग माधवगढ़ के बीच पे सनसेट इन्जॉय करेंगे, जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत मेस्मराइजिंग है। तो चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये रहा व्यू, दिस वॉज द व्यू ऑफ द माधवगढ़ बीच एंड यहाँ पे है हमारा सूरज जो होगा कुछ टाइम में सनसेट। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब वाला जगह है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पीसफुली थोड़ा इन्जॉय करते हैं दिस मोमेंट को और आपसे बाद में।
कैसा लगा आपको हमारा रूम, जो बहुत ही अच्छा है, स्वीट एंड सोबर सा रूम जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, मैं स्पॉट लाइट के नीचे खड़ा हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको पता है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लोकल बॉय। प्लीज़।